तो हेलो दोस्तों, मेटल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइस हमारे चैनल पे आप जो नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टच करना, क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस आज कुछ नए सीख लेते हैं टू व्हीलर के रिलेटेड। तो गाइस देखिए, ये है होंडा एक्टिवा। और गाइस देखिए, आज का इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ उसका कार्बोरेटर कैसे क्लीन करते हैं। तो गाइस देखिए, उसकी कार्बोरेटर कैसे क्लीन करते हैं और ओपन करने के बाद इसको मैं क्लीनिंग कर लूँगा, क्योंकि गाइस देखिए ये गाड़ी मेरे पास सर्विस में आई है। तो देखिए यहाँ से मैंने कार्बोरेटर निकाल दिया है। तो गाइस देखिए, कार्बोरेटर निकालते वक्त सबसे पहले उसके 8 mm के बोल्ट ओपन करना ज़रूरी है। ओपन करने के बाद देखिए, एक कार्बोरेटर आप बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से पेट्रोल पाइप पेट्रोल आ रहा है, क्योंकि उसका फ्यूल पम्प में दिक्कत है, इसीलिए पेट्रोल स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए कार्बोरेटर मैंने निकाल दिया है, और कार्बोरेटर निकालने के बाद देखिए मैं आपको दिखाऊंगा ये 8 mm का बोल्ट है वो आपको। तो गाइस देखिए, कार्बोरेटर मैंने ओपन कर दिया है, उसके बाद आपको मैं दिखा दूंगा। तो देखिए ये उसका कार्बोरेटर है, आप देख सकते हैं, और पूरी तरह डस्ट उस पर जमा हो चुकी है। और गाइस देखिए, मेरे पास ये बाइक एक्टिवा सर्विस में आई है। और देखिए सबसे पहले ये पर्पल वाला स्क्रू आपको ओपन करना है। तो गाइस देखिए, जो इसमें जो दिक्कत आई है पूरी तरह, वो झटका लेके चलती है, और उसकी जो माइलेज का भी प्रॉब्लम आया है, इसलिए उसका ओनर ने मुझे बोला है कि मेरी गाड़ी पूरी तरह माइलेज नहीं देती और झटका लेके चलती है। तो देखिए ये पॉरपेल वाला स्क्रू आपको सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए, वो दो स्क्रू ओपन करके आपको इसमें पूरी जो डस्ट है वो निकाल लेना है। तो देखिए गाइस, जिस तरह आपको निकाल लेना है, देखिए ये उसका कार्बोरेटर का, देखिए मैंने इस तरह दो स्क्रू ओपन करके खोल दिया है। और देखिए उसके बाद देखिए, ये उसकी स्लीव है वो निकाल देनी है। तो देखिए ये स्लीव निकाल के उसकी जो फ्लॉट पिन है और फ्लॉट है वो आपको इस तरह निकालना है। और देखिए गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसकी फ्लॉट पिन है, देखिए उसको बोलते हैं फ्लॉट पिन। और कार्बोरेटर में जो ये पेट्रोल का सप्लाई को कंट्रोल करती है, देखिए तो ये है उसकी फ्लॉट पिन, और ये उसका फ्लॉट आप देख सकते हो। तो गाइस देखिए, कार्बोरेटर पूरी तरह क्लीनिंग कर देता हूँ मैं। तो देखिए उस पर जो पूरी डस्ट जमा हुई है वो मैं पेट्रोल से पूरी तरह क्लीनिंग कर दूँगा। तो सबसे पहले गाइस देखिए, ये उसके जो दो जेड है, स्लो जेड है, देखिए एक मेन जेड और एक स्लो जेड है। तो देखिए सबसे पहले ये जेड को मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो उसका जो वो जो जेड है वो मैं क्लीनिंग कर देता हूँ, क्योंकि कहीं चौकअप ना हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो। तो देखिए ये उसका जो जेड है वो मैं एक वायर का टुकड़ा लेकर पूरी तरह क्लीनिंग कर दूंगा, क्योंकि गाइस ये उसका जो जेड है वो आपको चेक कर लेना चाहिए, कहीं चौकअप ना हो। अगर ये जेड चौकअप हो गया तो आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे पाएगी। और देखिए ये उसका स्लो जेड है, तो देखिए उसको भी मैं निकाल दूंगा और पूरी तरह क्लीनिंग कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, क्लीनिंग करने का कारण यही है, कहीं वो चौकअप ना हो जाए, वो उसका ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपके सामने वायर का टुकड़ा लेकर उसको किस तरह क्लीनिंग करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये दोनों जेड मैंने ओपन कर दिया है, देखिए एक स्लो जेड है और एक मेन जेड है। तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह वायर का टुकड़ा आपको लेना है। तो देखिए इस तरह वायर का टुकड़ा लेकर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से उसको एंटर करना है। देखिए इस तरह आपको इस तरह रखकर आपको पूरी तरह कसना है, देखिए तो इस तरह आप इस तरह करना है। तो देखिए पूरी तरह इसमें जो डस्ट वेस्ट वगैरह हो वो निकल जाएगी, और आपको पेट्रोल से उसको क्लीन करना। तो देखिए यही सही है, यही जेड सही है। उसके बाद देखिए ये उसका स्लो जेड है, तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह वायर का टुकड़ा इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको आराम से उसको निकालना है। तो गाइस देखिए, यही टुकड़ा जब आप देखिए इंस्टॉल करते वक्त गाइस आपको ये ध्यान रखना है, कहीं ये वायर टूट ना जाए। अगर गाइस ये वायर टूट गया तो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह आप उसका जो जेड है वो क्लीनिंग कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जब आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देती तो
आपको सबसे पहले उसका कार्बोरेटर ओपन करके उसका जो जेड है जो वो मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ वो उसको सही से अच्छे से क्लीनिंग कर देना चाहिए, क्योंकि यही जेड को चॉकअप होने के बाद आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देती। तो देखिए गाइस, इस तरह आप उस जो दोनों जेड है वो क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद गाइस देखिए, जो पेट्रोल की वजह से देखिए इस दोनों जेड को आपको अच्छे से क्लीनिंग कर देना चाहिए। और पूरा कार्बोरेटर है तो गाइस देखिए, जो उस पर जो पूरी डस्ट जमा हुई है और देखिए उसका सारा जेड की जो जगह है वहाँ आपको पेट्रोल डाल देना चाहिए। और पेट्रोल डालने के बाद गाइस आपको पूरी तरह से उसको एयर मार देना चाहिए। तो देखिए, ये दोनों जेड से मैंने पेट्रोल लगा दिया है। उसके बाद देखिए, आपको एयर से क्लीनिंग कर देना चाहिए। देखिए तो गाइस देखिए, इस तरह आप पूरी तरह अच्छे से एयर लगा देना चाहिए और पूरी तरह उसका जो जेड है वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये उसका जो कार्बोरेटर है आपको इस तरह पूरी तरह एयर मार देना चाहिए, क्योंकि उस पर जो पूरी जो डस्ट जमा हुई है वो क्लीन हो जाएगी। तो गाइस देखिए, कार्बोरेटर क्लीनिंग करने का फ़ायदा आपको यही है कि जब आपकी गाड़ी में माइलेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपकी गाड़ी झटका लेके नहीं चलेगी और आपकी गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाएगी और उसमें पूरी तरह पेट्रोल का सप्लाई मिल पाएगा। इसीलिए आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर का क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। तो जब आपकी गाड़ी जो सर्विस में जाती है तो गाइस देखिए, सर्विस में जो मैकेनिक भाई है उसको कार्बोरेटर को क्लीन कर देता है। तो कार्बोरेटर क्लीनिंग करने के बाद आपकी गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाती है और पेट्रोल का जो कोई लीकेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो देखिए इस तरह, देखिए उसकी जो चैम्बर है कार्बोरेटर की वो भी मैं पूरी तरह क्लीनिंग कर देता हूँ। तो देखिए, पूरी डस्ट में क्लीनिंग कर दिया है। उसके बाद मैं वो फिटिंग कर देता हूँ। तो देखिए, उसका जो ओवर का जो सप्लाई है, देखिए यहाँ से भी आपको एयर लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई डस्ट वेस्ट वगैरह जो चौकअप हो जाए तो वो क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, पूरा गाइस मैंने कार्बोरेटर क्लीनिंग कर दिया है। क्लीनिंग करने के बाद देखिए गाइस, ये भी उसकी फ्लोट पिन है और देखिए उसको भी अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। तो देखिए, ये भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद देखिए, पूरा कार्बोरेटर क्लीनिंग करके सबसे पहले मैं गाइस देखिए इसमें क्या फिटिंग करूँगा वो भी आपके सामने में दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले गाइस देखिए, आपको ये जो उसका स्लो जेड है वो आपको फिटिंग करना है। तो गाइस देखिए, ये जेड मैंने क्लीनिंग कर दिया है। उसके बाद देखिए, उसका जो मेन जेड है तो देखिए वो भी मैं फिटिंग कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, दोनों जेड सबसे पहले आपको अच्छे से फिट कर देना चाहिए। कहीं अगर ये जेड लूज रह जाए तो गाइस देखिए, आपकी गाड़ी रेस नहीं ले पाएगी और स्टार्ट नहीं होगी। तो और देखिए, उसकी जो फ्लॉट पिन है और उसको इस तरह लगाकर उसकी जगह में आपको आराम से इस तरह इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, इस तरह इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो स्लीव है, देखिए पिन, देखिए उसको इस तरह लगाना है। और उसके बाद देखिए, उसकी सही जगह है वहाँ उसकी, देखिए इस तरह कार्बोरेटर की जो दोनों स्क्रू है आपको इस तरह अच्छे से फिटिंग कर देना है। तो देखिए, फोरपेल की मदद से आपको अच्छे से दोनों स्क्रू को अच्छे से फिटिंग कर देना है। तो देखिए गाइस, पूरा कार्बोरेटर मैंने क्लीनिंग कर दिया है। तो गाइस देखिए, कार्बोरेटर क्लीनिंग करने का तरीका इस वीडियो में मैंने आपको सामने लाइव दिखाया। तो गाइस देखिए, इस तरह आप कार्बोरेटर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो पूरी जो उसमें जमा हुई डस्ट को और उसका जो स्लो जेड और मेन जेड को किस तरह क्लीनिंग करते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको लाइव दिखाया है। तो देखिए गाइस, ये कार्बोरेटर मैंने पूरा क्लीनिंग कर दिया है। उसके बाद जहाँ से मैंने ओपन किया था वहाँ मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये कार्बोरेटर जो मैंने पूरा क्लीनिंग कर दिया है और उसको मैं फिटिंग कर देता हूँ। जहाँ से मैंने ओपन किया था वहाँ मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो देखिए, पूरा कार्बोरेटर मैंने क्लीनिंग कर दिया। उसके बाद मैं वो कार्बोरेटर को फिटिंग कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले उसको
देखिए इस तरह आपको फिटिंग करना है जहाँ से आपने ओपन की। तो चलो गाइज मैं पूरा कार्बेटर फिटिंग कर देता हूँ। और देखिए सबसे पहले फिटिंग करने के लिए जो मैंने ITMM के जो आपके सामने जो उसका बोल्ट दिखाया था वो फिटिंग करना है। तो गाइज देखिए सबसे पहले उसको इस तरह कार्बेटर फिटिंग करके ये उसका जो फ्रेंच है जो प्लास्टिक वाला जो उसको कहाँ पे रखना है पहले मैं आपको दिखा दूँ। किस साइड पे तो ये रबर वाली रिंग है वो और ये प्लेन है। तो देखिए वो रबर वाली जो रिंग है वो जहाँ कार्बोरेटर का सप्लाई जाता है वहाँ तरफ उसकी जो फ्रेंच है और वहाँ उसको रखना है। तो देखिए इस तरह फिटिंग करके दोनों ATMM के जो बोल्ट है वो बोल्ट लेकर आपको पूरी तरह अच्छे से ATMM का रिंग्स पैनल लेके अच्छे से फिटिंग कर देना है। तो गाइस देखिए इस तरह फिटिंग कर देना है। तो पूरा कार्बोरेटर जो मैंने क्लीनिंग कर दिया है क्लीनिंग करने के बाद जहाँ से मैंने ओपन किया था वहाँ में इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस देखिए इस तरह आप कार्बोरेटर क्लीनिंग कर सकते हो और ATMM का जो रिंग्स पैनल और फिक्स पैनल लेकर फिटिंग कर सकते हो। और देखिए ये उसके स्लीव है स्लीव को इस तरह फिटिंग कर देना है। तो गाइस देखिए पूरा कार्बोरेटर क्लीनिंग हो चुका है और कार्बोरेटर क्लीनिंग हो जाने के बाद देखिए इसकी स्लीव है वो इस तरह फिटिंग कर देना है। तो गाइस देखिए पूरा जो कार्बोरेटर क्लीनिंग हो चुका है मैंने वीडियो में आप लाइव दिखाया है इस तरह कार्बोरेटर आप क्लीन कर सकते। तो गाइस हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना और ट्यूबर के लगते रिलेटेड वीडियो गाइस हम बनाएंगे।